brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किस गाय के फैक्ट चेक सीरीज में एक बार फिर नए दावों का फैक्ट चेक करेंगे। दावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाले युवाओं को 1,00,000 रुपया देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये वादा बकायदा मंच से किया है, वो अपने समर्थकों की खचाखच बड़ी भीड़ के सामने ये वादा कर रहे हैं। ये दावा यूं ही नहीं हो रहा है, दावा कुछ सच साबित करने के लिए वीडियो भी पेश किया जा रहा है जिसमें राहुल गांधी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। क्या कुछ वीडियो में कहा जा रहा है वो खुद ही आप सुन लीजिए। हमारे जो युवा है जो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया 8,500 रुपए महीने का ठका ठक हमारी सरकार डालेगी। ये वायरल वीडियो महज 16 सेकंड का है लेकिन सोशल मीडिया पर भयानक वायरल हो रहा है, लोग तंज कस रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ और 10-10 बच्चे पैदा करो, क्या कांग्रेस आएगी धरती के तारे दिखेंगे। लेकिन क्या वैसा ही है जैसे कहानी पेश की जा रही है? हमने इसके लिए दावे का फैक्ट चेक किया। आपको ये भी बता दें कि इस वायरल दावे का फैक्ट चेक करने में हमारे सहयोगी लल्लन टॉप की टीम ने सहयोग किया है। सच तक पहुंचने के लिए हमने कीवर्ड सर्च की मदद ली जिसमें कई न्यूज रिपोर्ट्स भी मिले। ये सभी रिपोर्ट्स 22 अप्रैल 2024 के आसपास पब्लिश की गई थी जिसमें बिहार के भागलपुर में हुई राहुल गांधी की चुनावी सभा का भी जिक्र किया गया था। उसमें वो युवाओं की बात कर रहे थे। कांग्रेस नेता ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम का भी जिक्र किया था लेकिन अब भी दावे को लेकर कोई साफ बात सामने नहीं आई थी। इसलिए हम सीधे पहुंचे राहुल गांधी के ऑफिशियली यूट्यूब अकाउंट पर। थोड़ी मेहनत करने के बाद हमें 20 अप्रैल का लाइव वीडियो मिला जिसमें राहुल गांधी युवाओं को अपने अप्रेंटिसशिप स्कीम के बारे में समझा रहे थे। इसके साथ ही राहुल गांधी केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी हमलावर थे। बस इसी भाषण का एक टुकड़ा लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया जिसे गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। असल में उन्होंने इस भाषण में क्या कहा था आप खुद सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेंटर बना रखा है। जहां भी आप देखो किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। 7-8 घंटे इंस्टाग्राम फेसबुक पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैला दी है सब जगह। जो लोग रोजगार देते थे उनको नोटबंदी और गलत जीएसटी से नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। अब जो अमीर घर के बेटे होते हैं रोजगार के मार्केट में घुसने के लिए उनका तरीका होता है, उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलती है, टेम्पररी नौकरी मिलती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको पैसा मिलता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। अप्रेंटिसशिप अरबपति के बेटे कर सकते हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों के बेटे कर सकते हैं, मगर हमारा जो युवा है, बेरोजगार युवा है, वो नहीं कर सकता। तो हमारी दूसरी योजना जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, अब पहली नौकरी पक्की का मतलब बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। ताली बजाओ थोड़ा और, अभी मैं आपको समझाऊंगा फिर देखना। अप्रेंटिसशिप का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर,
उन सबको एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1,00,000 रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। उनकी ट्रेनिंग होगी और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी, सरकार में होंगी। तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया, 8,500 रुपए महीने का, ठका ठक हमारी। आपको बता दें कि इन स्कीम को कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है और इसी स्कीम के बारे में समझा रहे थे राहुल गांधी। अब इसी लंबे चौड़े भाषण को गलत तरीके से एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिससे उसका मतलब ही बदल गया। यानी कि फैक्ट चेक में ये साफ हो गया कि राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने वाले युवाओं को 1,00,000 रुपए देने का वादा नहीं किए हैं। वे अपने भाषण में बेरोजगार युवाओं के लिए बीजेपी के स्ट्रेटजी पर निशाना साध रहे थे। इसी बीच उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। हमारी पड़ताल में वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा इस तरह से गलत साबित हुआ, इसलिए न्यूज तक भी आपसे खास अपील करता है कि ऐसी कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हो और उस पर आपको थोड़ी सी भी संदेह हो तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए आप कमेंट कर बता सकते हैं, टैग कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है ये हमें बताएं। आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं कि इस वायरल वीडियो की सच क्या है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ तक।